नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। उषा जौली और बहन सीमा के प्रयास से महिला पतंजलि योग समिति पंचकुला ने आज सुबह वीटा पार्क सेक्टर 11 पंचकुला में सुबह 5:30 से 7 बजे तक 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया, जिसका समय समय पर पूनम सिन्हा, अंजना, पूनम गुप्ता, रेणु गप्याल, सुमन लेखी की ओर से संचालन किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर ओमवती पुनिया पार्षद, प्रेम आहूजा प्रभारी पतंजलि, पूनम सिन्हा जिला प्रभारी महिला पतंजलि, भाई नरेश, सविता धवन, बहन माधवी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस शिविर का समय सुबह 5:30 बजे से 7 बजे रखा गया है। आज के शिविर में विशेष तौर पर उमेश नारंग जिला प्रभारी बीएससी, विनोद बजाज सह जिला प्रभारी पतंजलि, उमेश मित्तल जिला प्रभारी युवा भारत, मधुपुरी और नीतू गर्ग ने भी भाग लिया। महिला पतंजलि योग समिति पंचकुला का पंचकुला शहर के क्षेत्र में योग कक्षा का संचालन करने का संकल्प है। इसी के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है ताकि पंचकुला की बहनें और भाई इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज के प्रदूषित वातावरण में योग ही ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति को बिना दवाई के स्वस्थ रख सकता है। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जिसकी टेडियम मैं पास आई जाऊंगा, सीधी कराई जाऊंगा, अपनी अपनी चर्चा कर ले। और ये हाथ पीछे ऐसे भी नहीं जाएंगे, यहां तक रहेंगे बस। ये सोमन करना जी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दौड़ना फोड़ना क्या दूर, ठीक है जी। आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, लंग्स एक्सपैंड होंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। सारी घर पे भी तभी होती है ऑक्सीजन। शाबाश शाबाश। ये आप हमें रोड बता देना कितनी चाहिए, हम कटवा के तैयार करवा देंगे, वहां से फिर आप उत्पा लेना।